अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं रमेश जी, वेलकम टू जॉयवल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने वीडियो को पूरा देखना स्किप नहीं करना। अगर आप भी बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर अकाउंट, और अगर आपको भी आ रहा है नॉट एलिजिबल वाले इशू, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। आपको अपने पैनल भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। इस पूरे 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए हैं कौन कौन से तरीके कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर हम अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बगैर नॉट एलिजिबल के। तो फ्रेंड्स, आपने करना है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को अपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, चलिए लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपको दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं पैनल, जो कौन कौन से हैं, कितने कितने मैंने पैनल अभी तक बनाए हैं, उसके ऊपर मैंने 8 पीस भी बनाई और मैंने उसको अच्छी तरह टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको सारे पॉसिबल वे बताऊंगा, हर वो तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर बगैर नॉट एलिजिबल के अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको चलता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो गाइज, आप देखते हैं मेरे पीछे मेरे पास एक ये पैनल ओपन, ये देखिए अब्दुल बासित का नाम से, और ये देखते हैं मेरे पास एक भी पैनल अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास आप देखते हैं ये भी मेरे पास एक पैनल अवेलेबल है, एंड उसके बाद मेरे पास ये भी पैनल एक अवेलेबल। आप देखते हैं इसको मैं मूव इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि पिक्चर या कोई फेक चीज़। आप देखते हैं 6 डेज उसके पूरा एक हफ्ता इसके ऊपर मैंने टेस्ट किया। एंड उसके अलावा आपको दिखाता हूँ मेरे पास, और ये देखिए एक ये मेरे पास अवेलेबल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसके ऊपर भी तकरीबन 7 डेज से ऊपर हो चुकी है, भी मैंने टेस्ट किया, ठीक है। मैंने 3-4 दिन हर वो तरीका और वो मेथड ट्राई किया जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट अजूर बन सकता है, वही सारे तरीके, वही सारे मेथड, वही सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया मेरे पास तकरीबन 4-5 पैनल इस टाइम में अवेलेबल है, और सारे 4-5 पैनल वो जो मेरे पास खुद के पास चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने तकरीबन 3-4-5 महीने पैनल बना के भी उसको सेल आउट किया है, और जिस बंदे को मैंने सेल आउट किया है उनके पास प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने फ्री में, मतलब कि 3-4 दिन मैंने या तो एक्सपेरिमेंट किए या तो आपके जितने भी मैसेजेस थे उनका मैंने रिप्लाई किया। उसके अलावा मैंने बहुत से बंदों की बहुत ज़्यादा हेल्प की, मीन्स के मैंने यूट्यूब के ऊपर जाकर इसके जरिए कनेक्ट होकर उनको बना के भी दिए। वो सारे मैंने मेथड बताया, सबसे इजी तरीका बताया कि क्या क्या उनको करना पड़ेगा अपने पैनल को बनाने के लिए। उनको पूरी मैंने हेल्प की विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब बगैर किसी पैसे के, मतलब उनको मैंने फुल सपोर्ट की हर तरह से कि वो कैसे कैसे अपना पैनल बना सकते हैं। एंड फिर मैंने सोचा, मतलब 3-4 दिन जैसे गुजर गए अभी, तो मैंने वीडियो नहीं डाली, तो मैंने अभी सोचा कि पूरी मुकम्मल वीडियो बना देता हूँ। सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करके थक चुका था, तो मैंने सोचा कि कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, जो कि मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। एंड इस वीडियो के अंदर आपको मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाने वाला, सिर्फ मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं गाइड करने वाला हूँ, सिर्फ टीच करने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल वे, कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी अपने पैनल को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मेरे पीछे जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, उसके मैंने ऊपर मैंने तकरीबन ये देखें एक, उसके बाद दो, उसके बाद ये हो गया जी 3-4, और ये 5 पैनल चल रहे हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक कैनवा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास होना चाहिए एक कैनवा, और एक आपके पास होनी चाहिए फ्रेश जीमेल। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल गूगल से अपने एक फ्रेश जीमेल बना लेनी है, ठीक है। जीमेल बनाने के बाद आपने करना क्या है, आपको चाहिए कि एक फ्रेश नंबर, बिल्कुल 100% फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल 100% फ्रेश, जिसके ऊपर आपको यकीन है कि आपको कि 100% फ्रेश नंबर आपने वही यूज़ करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, लाइक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सभी बन जाएगा, अगर आपके पास स्टूडेंट वाला मतलब EDU वाला ईमेल है तो फिर भी बन जाएगा। एंड और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर बना रहे थे, 3-4 आपने बनाए और उसके बाद आपका अकाउंट नहीं बन रहा या कोई इशू रहा, तो फ्रेंड्स 4 से ऊपर नहीं बन रहे, एक IP के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 अकाउंट बना सकते हैं, 4 अकाउंट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। अगर आप 4 अकाउंट से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना, वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता है कि क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। आपको चाहिए जीमेल, ठीक है, फ्रेश जीमेल बनाना आपने, ठीक है। फ्रेश ब्राउजर आपने डाउनलोड करना, ब्राउजर आपने कौन सा डाउनलोड करना आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास होना चाहिए फायरफॉक्स होना चाहिए, आपके पास ब्रेव ब्राउजर होना चाहिए, या आपके पास टोर ब्राउजर होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए ओपरा ब्राउजर, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है, ये लाजमी चीज़ है। आपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर ये चीज़ नहीं अप्लाई करनी। एंड इन सब में से आप कोई भी आप एक ब्राउजर डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने करना है कि आपने जस्ट सबसे पहले अपने कार्ड क्रिएट करना है कैनवा के ऊपर, एक स्टूडेंट कार्ड आपने क्रिएट करना है। पिक्चर आपने कहाँ से लेनी है, पिक्चर आपने कोई भी मतलब क्या ना गूगल के ऊपर जाना और एक स्टूडेंट की पिक्चर आपने उठा लेनी है कोई भी रैंडम, आपने पूरी चीज़ें मतलब पूरा पहले अपने किसी भी स्कूल का या कॉलेज का आपने स्टूडेंट ID कार्ड उठाना है, उसका पूरा फॉर्मेट उठाना, उसको अपने कैनवा के अंदर लेके जाना है, उस पर जाकर अपने कस्टमाइज उसको करना है। कस्टमाइज करने के बाद आपने करना कि आपने जो फ्रेश जीमेल बनाया था उसके ऊपर आपने सबसे पहले गिटहब का अकाउंट बनाना है, सबसे पहले गिटहब का अकाउंट साइनअप करना है, ठीक है। जैसे आपका साइनअप हो जाएगा गिटहब
जैसे ही आपका गिटअप के ऊपर साइन अप हो जाएगा तो फ्रेंड उसके बाद आपने करना है कि आपने जस्ट उसी विंडो को क्लोज करना, दोबारा से वो विंडो एक न्यू ओपन करनी है, वहाँ पे अपने टाइप करना है गिटअप स्टूडेंट पैक, ठीक है। वो आपने सर्च करने के बाद उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर साइन अप करना है, ठीक है। स्टूडेंट पैक के ऊपर आपने साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपने करना है कि आपने जस्ट वहाँ पे अपने कोई भी ऐसा कॉलेज चूज करना है, ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द हो, जो आपकी सिटी में हो, ठीक है। आप जिस भी सिटी में रहते हो उसी सिटी में बन जाएगा, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने कोई भी एक अपना कॉलेज या अपना कोई भी यूनिवर्सिटी अपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वो पूरा उसके अंदर पूरा आपको मिलता है। जैसे आप स्टूडेंट पैक के ऊपर साइन अप करते हो तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, अपने थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपका जीमेल वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जीमेल के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना, नीचे आपके पास एक खाली बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर आपने अपने सिटी का नाम सर्च करना है। जैसे आप नाम सर्च करेंगे आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ जाएगा, अपने वहाँ पे अपने पाप नज़दीक तरीन जो भी आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी अपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करने के अपने थोड़ा सा नीचे करना, वहाँ पे आपके पास एक खाली बॉक्स होगा, उसके अंदर आपने लिखना है टू लर्न। लर्न लिखने के बाद आपने जस्ट उसको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपसे वो परमिशन मांगेगा आपकी लोकेशन की, तो आपने उसको लोकेशन की परमिशन दे देनी है, ठीक है। लोकेशन की परमिशन देने के बाद आपने कहना कि आपने जस्ट अपना कैमरे के अंदर एक अपने अपना स्टूडेंट कार्ड बनाना है, ठीक है गाइस। स्टूडेंट कार्ड बनाने के बाद आपने कहना क्या है, उसको अपने अच्छी तरह बनाना है, ठीक है। अपने पिक्चर्स का और अपने उसको स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो अपने साइज़ है वो अपने बड़ी ध्यान से बनाना है। अपने पहले सर्च कर लेना आप जो भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज आप यूज़ करने वाले, आपने पहले चेक कर लेना कि उसका जो कार्ड का फॉर्मेट क्या है, उसको लोगो उसकी हर एक चीज़ आपने अच्छे से चेक करनी है। तो फ्रेंड जैसे ही आपने कार्ड क्रिएट कर लेना, कार्ड क्रिएट करने का तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी यूनिवर्सिटी का कार्ड बना रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप यूज़ करने वाले हैं, उसी यूनिवर्सिटी को अपने गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने उसका कार्ड चेक कर लेना, ठीक है। उसके फॉर्मेट उसका जो भी लेंथ थी वो सब कुछ चेक करने के बाद, उसको लोगो वगैरह वो अपने 100% श्योर करना कि इसका जो कार्ड बिल्कुल रियल लगे, ठीक है। उसके बाद आपने कहना कि अपने जस्ट जो पेज के ऊपर आपने कंटिन्यू किया था उसके कंटिन्यू करने के मतलब गिटहब स्टूडेंट पैक के ऊपर जैसे आपने साइनअप किया था, साइनअप करने के बाद आपने उसके जो अपने यूनिवर्सिटी डाली थी उसके बाद नीचे आपने टू लर्न डाल के कंटिन्यू किया था, उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन हुआ होगा, ठीक है। उस पेज के अंदर आपने करना है कि आपने जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और वहाँ पे हमने जो आईडी कार्ड बनाएगा स्टूडेंट को अपने वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने करना है कि आपने जस्ट उसको प्रोसेस टू एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वो थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है। जैसे वो लोडिंग लेंगे उसके बाद आप उसको कट कर देना है। कट करेंगे तो आपको तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर आपकी उसी ईमेल के ऊपर एक मेल आ जाएगा कि आपका जो स्टूडेंट पैक है वो बन चुका है, ठीक है। जैसे आपका स्टूडेंट पैक बन जाएगा तो उसके बाद आपने करना है कि आपने जस्ट उस ब्राउज़र को क्लोज करना, क्लोज करने के बाद आपने उसको दोबारा ओपन करना है, ठीक है। दोबारा ओपन करने के बाद आपने करना है कि आपने वहाँ पे सर्च करना है गिटहब स्टूडेंट पैक लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने करना है कि आपने जैसे पेज लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, आपके पास पूरा गिटहब स्टूडेंट पैक वाला पूरा एक पेज होगा, ठीक है। वहाँ पे आपने सबसे ऊपर देखना आपके पास बार में लिखा होगा स्टूडेंट, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना है कि अपने थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना जहाँ पर लिखा होगा गेट योर स्टूडेंट पैक, ठीक है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पेज को आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। वहाँ पे आपको एक मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर फॉर स्टूडेंट $100 वाला, ठीक है। $100 आपने सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर उसका जो लिंक होगा उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपने एक फ्रेश नंबर देना है। फ्रेश नंबर देने के बाद आपने करना कि आपने जस्ट उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को अपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसको प्रोसेस कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे आपके पास जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली 100% बन जाएगा। अगर आपको नॉट एलिजिबल वाला इश्यू तो आपने करना है कि आपने उसके ऊपर परेशान नहीं होना, कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। आपने जस्ट करना है कि 1 से 2 घंटे का वेट करना है, 1 से 2 या 3 घंटे वेट कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ठीक 3 घंटे के बाद आपको वो एलिजिबल आ जाएगा, आपका जो $100 वाला अकाउंट है वो बना देगा विद इन 3 hours। आपने उसके ऊपर कोई और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने। जैसे आपके सारे स्टेप्स ये कंप्लीट हो जाएंगे आपने 2 से 3 घंटे का वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएगा। अगर आप अपने कार्ड के थ्रू बनाना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास 100% हर एक चीज़ न्यू होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल, आपके पास इंटरनेट, आपके पास डिवाइस नहीं होनी चाहिए, आपके पास नया कार्ड, नया नंबर, ये वो सब कुछ ओके ज़बरदस्त होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूज़ करें सादा पे, उसके बाद नया पे, इस तरह का कोई भी कार्ड आप यूज़ करें, आपको वो काम नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स अगर आपके ये कार्ड यूज़ में नहीं है तो आपने कौन सा कार्ड यूज़ करना? आपने कोई भी एक फिजिकल जो बैंक होता है पाकिस्तान में, आपने कोई भी उसमें से एक बैंक यूज़ करना, कोई भी आप ऑथेंटिक बैंक यूज़ करेंगे तो आपका जो एज़ूर का अकाउंट है $200 वाला वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो गाइस ये था पूरा मेथड, पूरा एक कोर्स जो बिल्कुल आपको मैंने फ्री में बताया। अगर आप इस वीडियो को देख के अकाउंट बनाते तो आपका 100% अकाउंट बनने वाला, कोई आपका इशू इसमें नहीं होना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने कहना है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया आप।